एवरीवन विल अग्री ईयर 2020 वाज वेरी वियर्ड। हम सब लोग घर पे बैठे बैठे काफी पक गए थे। तो हम लोग निकल गए हैं हम्पी के लिए। इट्स 7 o'clock इन द मॉर्निंग। शायद ही कभी हम लोग इतनी जल्दी उठे हैं। और वहाँ पे सनराइज बहुत ही सुंदर हो रहा है। तो हम्पी इज़ अ फैमिली ट्रिप फॉर अस। मैं इधर पुणे से जा रहा हूँ। माय सिस्टर एंड फैमिली इज़ कमिंग फ्रॉम हैदराबाद। सो फर्स्ट हमारा लॉन्ग ड्राइव। इनफैक्ट मेरा तो फर्स्ट टाइम मैं इतना ड्राइव करने वाला हूँ। सो द टोटल डिस्टेंस फ्रॉम पुणे टू हम्पी इज नियरली 550 किलोमीटर्स। तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके चलेंगे। सबसे पहले हम लोग नाइट स्टे का प्लान है आज विजयपुरा में, साथ में वहाँ के पुराने हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी देख लेंगे हम लोग। सो इट्स अ नाइस हॉल्ट, इट्स अ नाइस प्लेस टू स्टे। और उसके बाद फिर अगले दिन हम लोग हम्पी की ओर निकलेंगे। तो फर्स्ट स्टॉप हमने लिया है, बहुत बड़ा बर्ड सेंचुरी है, फ्लमिंगो यहाँ पे बहुत आते हैं। अभी तक की रोड बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त। हम लोग यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट के लिए रुके हैं। इट्स बीन नियरली रफली टू आवर्स जहाँ पे हम लोग अराउंड 100 किलोमीटर्स कवर कर चुके हैं। आराम से यहाँ पे ब्रेकफास्ट करते हैं, थोड़ा सीनरी इन्जॉय करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे निकल गए हैं पंडरपुर के लिए। डिस्टेंस पंडरपुर का अराउंड 100 किलोमीटर्स था, जिसमें हमें 2 घंटे के अराउंड लगे। पीछे में अभी पंडरपुर मंदिर है, लेकिन हम लोग जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अभी कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण 2 दिन पहले ऑनलाइन पास निकालना पड़ता है। बट बाहर से भी ये देख के काफ़ी सुंदर मंदिर है। सो फाइनली हम लोग विजयपुरा पहुँच गए हैं आफ्टर अराउंड कितने 7 घंटे 7 आवर्स ड्राइव। साथ में लास्ट 100 किलोमीटर का रोड काफ़ी अजीब था, स्टेट हाईवे था शायद, चारों तरफ वीराना ही वीराना। इनफैक्ट बीच में वी सौ सोलर पैनल का फील्ड, यानी किलोमीटर्स तक सोलर पैनल्स लगे हुए थे, विच इज़ अ वेरी न्यू थिंग जो मैंने देखा नहीं था पहले। बीजापुर का सबसे फेमस मॉन्यूमेंट है गोल गुंबज। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट डोम है और साथ में इसके अंदर विस्परिंग गैलरी है, जो कि एक मस्ट विजिट प्लेस है। नो गिम्बल नो ट्राइपॉड। आगे में एक म्यूजियम है, यहाँ पे आदिल शाह डायनेस्टी के टाइम के सारे सामान रखे हुए हैं। व्हाट आई रिकमेंड इज आप गोल गुम्बल शाम के टाइम में जाएं, वहाँ से पूरा बीजापुर दिखता है और शाम की ऑरेंज लाइट्स में इट लुक्स वेरी प्रिटी। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस और शाम के टाइम में ये और सुंदर दिखेगा। आप देखिएगा कि वो जो नक्काशी की हुई है पूरे दीवार में, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है ये। एंड ऑल्सो नोट, गोल गुंबज इज 7 फ्लोर हाई और उस समय के फ्लोर हमारे से छोटे नहीं होते थे, काफी ऊंचे ऊंचे स्टेप्स हैं। नेक्स्ट डे सवेरे सवेरे हम लोग गए इब्राहिम राउज़ा। ये वो मॉन्यूमेंट है जिसको देख करके शाहजहां वाज इंस्पायर्ड टू मेक ताजमहल। इस मॉन्यूमेंट में एक साइड मकबरा है और एक साइड मॉस्क है। ताजमहल भी इसी डिज़ाइन का है। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई विल रिकमेंड कि आप इसे बिल्कुल सवेरे जाएं। जैसे हम लोग सवेरे सवेरे 7 बजे चले गए थे, तो देर वॉज नो बडी एंड द होल प्लेस
वॉज फॉर अस। यहाँ पे भी जो नक्काशी है दीवालों पे वो देखने लायक है। यहाँ पे घूमने में बिल्कुल ये रॉयल फीलिंग आती है। सवेरे सवेरे जब कोई टूरिस्ट नहीं होता है तो इस यहाँ पे जाने का एक अलग ही फील है। शिवगिरी टेम्पल आप लास्ट में जा सकते हैं जब आप हम्पी के लिए निकल रहे हो, क्योंकि ये हाईवे के पास में है। यहाँ पे शिव जी का बहुत ही ऊंचा स्टैचू है। यहाँ पे एक अलग शांति जैसी फील होती है। बारह कमान है तो बारह कमान जो है वो अनफिनिश्ड मॉन्यूमेंट है, लेकिन काफ़ी सिमेट्रिकल है और काफ़ी फैसिनेटिंग है, यानी कि क्योंकि आधा बना हुआ है और इसकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे जो गाइड थे उन्होंने डिटेल्स बताए थे जहाँ पे फादर ने सन को मर्डर कर दिया था ताकि वो ये मॉन्यूमेंट ना बना सके। तो यानी ये बहुत ही फैसिनेटिंग जगह लगी मुझे। व्हाट आई विल से इज़ कि अगर कोई भी इधर इस रूट को कवर करता है तो विजयपुरा में प्लीज़ हैव अ नाइट स्टे, एक्सप्लोर इट फॉर ओनली अ सिंगल डे। ज़्यादा टाइम नहीं लगे आपको, बट आप यहाँ देखिए, यू विल बी प्लेजेंटली सरप्राइज्ड।